हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो टुडेज टॉपिक इज ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ दैट इज ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर एंड इंडक्शन ऑफ लेबर। तो क्या होता है ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, इसके बारे में देखेंगे। तो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर जो होता है, जब कभी भी जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसका जो प्रोग्रेस जो होता है लेबर का, वो अगर फेल हो जाए या रिस्ट्रिक्टेड हो जाए या बहुत ही ज्यादा वीक है, ठीक है, जितना होना चाहिए एडिक्वेट प्रोग्रेस ऑफ लेबर, उतने मार्क तक वो नहीं पहुंचा है, ठीक है, प्रोग्रेस उतने अच्छे से नहीं हो रहा है मदर का लेबर, तो उस कंडीशन में जो इंडिकेशन होता है उसके लिए दैट इज सिजेरियन सेक्शन। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो उस सिजेरियन सेक्शन को रोकने के लिए हम लोग कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिकेशंस यूज करते हैं ताकि जो लेबर है वो इंड्यूस हो सके, जो ट्रू लेबर है वो, मतलब कि उसका प्रोग्रेस अच्छे से हो सके और डिलीवरी हो जाए बेबी का। तो इसलिए जो टर्म, जो मेडिकेशन, जो ड्रग यूज किया जाता है टू इंड्यूस लेबर, ठीक है, टू प्रोग्रेस द लेबर, तो उस कंडीशन को ही कहते हैं हम लोग ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर एंड इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इंडक्शन ऑफ लेबर एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द यूट्रस टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर इज टर्म्ड एज ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। तो जो भी हम लोग यूट्रस को, जो हम लोग जो मेडिकेशन यूज करते हैं, वो क्या करता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है यूट्रस का, उसके फ्रीक्वेंसी को, उसके ड्यूरेशन को, उसके इंटेंसिटी को, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम्स जो होता है 10 मिनट्स में कितने टाइम्स वो होना चाहिए, तो नॉर्मल कम से कम 5 to 6 टाइम्स होने चाहिए, तो ट्रू लेबर पेन में जरूरी होता है, ठीक है, डिलीवरी के लिए। तो उसके फ्रीक्वेंसी कितना है, ड्यूरेशन कितने सेकंड्स तक होने चाहिए, साथ में इंटेंसिटी कितने समय तक वो रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये सारे चीजें जब स्टिमुलेट होंगी यूट्रस का, तभी कॉन्ट्रैक्शंस जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर होगा, वो एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शंस आएगा, ठीक है। तो जब भी ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर हम लोग करते हैं तो वो करते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस लेबर ऑनसेट होने के बाद ही, ठीक है। तो ट्रू लेबर है कि नहीं ये हम लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है, और अगर स्पॉन्टेनियसली यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है तो उसके बाद में हम लोग जिस तरीके से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं दैट इज ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ठीक है। तो इसका टू क्राइटेरिया मस्ट बी देयर टू रूल आउट कि हम लोगों को ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर करना है या नहीं करना है। तो फर्स्ट इज पेशेंट इज इन ट्रू लेबर और नॉट, तो पेशेंट जो है वो लेबर में है या नहीं है, ट्रू लेबर में है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फॉल्स लेबर पेन भी होता है समटाइम्स, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस उसमें उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्शंस अगर है भी तो पेन नहीं है, ठीक है, फॉल्स लेबर पेन अगर है तो वो जो होगा वो क्राइटेरिया नहीं होगा। तो हम लोगों को पहले ये करना होगा कि ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है, ठीक है। सेकंड इज रूल आउट सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन दैट इज सीपीडी। तो सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का मेन मतलब ये होता है कि जब बेबी जो होता है वो उसका पोजिशन जो है वो एबनॉर्मली हो, जिस कारण से वो मैटरनल पेल्विस में एडिक्वेटली नहीं डिसेंट कर पाता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि मिसमैच ऑफ द साइज ऑफ द फ्यूटस एंड साइज ऑफ द मैटरनल पेल्विस दैट टर्म्स सीपीडी, ठीक है, सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं। तो मेनली इसका जनरल मीनिंग यही है कि उसका या तो पोजिशन के कारण, एबनॉर्मल पोजिशनिंग के कारण, या तो स्मॉल मैटरनल पेल्विस के कारण मदर ये बेबी का जो डिलीवरी होता है वो नहीं हो पाता है, फेलियर हो जाता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो ये हम लोगों को रूल आउट करना जरूरी हो जाएगा कि सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है या नहीं, तो इसके बाद ही हम लोग ऑगमेंटेशन लेवर, अगर ये दोनों है, ठीक है, ट्रू लेवर पेन है, सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का केस नहीं है,
तभी हम लोग क्या करेंगे, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर आगे करेंगे। तो आगे हम लोग कहते हैं इसके रिस्क ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। जब हम लोग लेबर को इंड्यूस करते हैं या ऑगमेंट करते हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं पेशेंट को। तो फर्स्ट वन इज स्लॉट FHR मीन्स फीटल हार्ट रेट का बहुत ही ज्यादा घट जाना। ठीक है, तो जो मेडिसिन जैसे कि ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करने के बाद में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन वो इरेगुलर हो सकता है या समटाइम्स एक्सेस हो सकता है। तो उसका कारण क्या होता है, फीटल हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। तो रेगुलर चेक करना बहुत ही जरूरी है FHR जब हम लोग ऑगमेंट करते हैं या इंड्यूस करते हैं लेबर को। तो सेकंड इज इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन मेनली होता है ड्यू टू रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब मेम्ब्रेन का रप्चर किया जाता है तो समटाइम्स क्या होता है, विजाइनल इन्फेक्शन, जो विजाइना में जो बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो इन्फेक्शन करते हैं और कोरियोएमेनाइटिस भी समटाइम्स कॉज कर देते हैं, इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। ठीक है, थर्ड इज अम्ब्लाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स। समटाइम्स क्या होता है कि बेबी का जो हम लोग अगर उसको इंड्यूस करते हैं तो बेबी पार्ट से समटाइम्स अम्ब्लाइकल कॉर्ड जो होता है ट्रैप्ड हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, जिस कारण से अम्ब्लाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स का केस बन जाता है। तो ये भी क्या हो सकता है, रिस्क में आता है पेशेंट का। ठीक है, तो दिस आर द रिस्क ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। नाउ हम लोग बात करने वाले थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, तो इसमें कुछ जो है डिफरेंसेस हैं। जो ऑगमेंटेशन ऑफ, मेन जो डिफरेंस है वो मैं बताने वाली हूँ कि जो इसमें जो मेन डिफरेंस ये है कि इंडक्शन ऑफ लेबर जो होता है वो स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर के पहले किया जाता है, इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, और आपका ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर जो होता है वो स्पॉन्टेनियस जब ऑनसेट कॉन्ट्रैक्शन सब आने लगता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने का जो तरीका होता है दैट इज नोन एज ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ठीक है, और इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होगा कि मेनली पोस्ट डेट जो प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लेबर पेन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। तो बिफोर द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर जो भी एक्शंस किए जाते हैं ठीक है, टू प्रोग्रेस ऑफ लेबर, उसी को कहते हैं हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर। तो यही मेन डिफरेंस है। तो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, दैट इज स्टिमुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। तो जो भी कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट किया जाता है दैट इज आर्टिफिशियली, जो भी आर्टिफिशियली स्टिमुलेशन किया जाता है कॉन्ट्रैक्शंस का बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है, उसी को कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। इसमें रप्चर्ड मेम्ब्रेन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स जो होता है ARM, ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन समटाइम्स किया जाता है और समटाइम्स नहीं भी किया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर में। ठीक है, तो इसका मेथड जो है इंडक्शन ऑफ लेबर का वो भी मेडिकल, सर्जिकल एंड कंबाइंड है बोथ। ठीक है, तो मेडिकल में आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो भी ड्रग्स यूज किया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, एग्जाम्पल PGE2, PGE1, ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड मायफेप्रिस्टोन। तो मायफेप्रिस्टोन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमनली, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ज्यादा ही कॉमनली यूज होता है इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर में, दैट इज 600 माइक्रोग्राम अगर इसे यूज किया जाता है। तो ऐसा माना गया है, ऐसा मतलब कि रिसर्च में बहुत बार आ चुका है कि 48 से 96 आवर्स में फेवरेबल सर्विक्स एंड जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर होता है वो एडिक्वेटली होने लगता है। ठीक है, इन 48 to 96 आवर्स में। ठीक है, सर्जिकल जो है मेथड जिसका ARM है, दैट इज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एंड थर्ड वन इज कंबाइंड मीन सर्जिकल एंड मेडिकल एंड सर्जिकल बोथ को, मतलब कि दोनों को यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों को मतलब ड्रग्स भी दिया जाता है और साथ में ARM भी किया जाता है पेशेंट पे और लेबर को इंड्यूस किया जाता है। नाउ इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस दैट आर पोस्ट डेट प्रेगनेंसी, तो मैंने पहले बताया था कि जो भी पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी हो जाते हैं, मतलब कि 42 वीक्स एबव भी अगर लेबर पेन नहीं आ रहा है या लेबर ऑनसेट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में दोनों इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर किया जाता है। ठीक है, सेकंड वन इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, तो अगर हाइपरटेंशन का, मदर को हाइपरटेंशन हो, ठीक है,
या प्रीक्लैम्प्सिया का केस हो या IUGR इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस का केस हो एंड नेक्स्ट इज डायबिटीज या जेस्टेशनल डायबिटीज। तो मदर का जो मैटरनल कंडीशंस होता है जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स समटाइम्स, ठीक है, या जो भी हाइपरटेंशन है प्रॉब्लम्स, तो जो भी मैटरनल मेडिकल कंडीशंस जो भी रिलेटेड होंगे वो सारे इसके इंडिकेशंस में आते हैं, ठीक है, डायबिटीज हो गए हैं, ठीक है, तो सारे आएंगे इंडिकेशन। तो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मदर जो मदर होगी उनका जो लीवर सेल्स होता है वो एडिक्वेट अमाउंट में जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसे सिक्रीट नहीं कर पाता है, जिस कारण से SGPT और SGOT का जो लेवल होता है वो बॉडी में इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये जो बहुत ही कॉमन होता है जो कि लेट प्रेगनेंसी में ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओलिगोहाइड्रोमियोस। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ही कम होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, ओलिगोहाइड्रोमियोस का रहता है। सेकंड वन इज कोडियो एम्यूनाइटिस। तो ये मैंने पहले बताया था कि जब समटाइम्स क्या होता है कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, हम लोग जब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देते हैं तो लेबर के बहुत पहले ही अगर रप्चर हो जाए तो समटाइम्स क्या होता है कि जो विजाइना में जो बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो इन्फेक्ट कर देता है आपका एम्यून को एंड कोरियोन को, ठीक है। तो इस कारण से कोरियो एम्यूनाइटिस कंडीशन डेवलप होता है जिसमें कि मदर का जो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स होता है दैट इज फीवर, मदर को फीवर आ जाएगा, हाई ग्रेड फीवर आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज PROM, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मैंने पहले बताया, समटाइम्स क्या होता है हम लोग आर्टिफिशियली ना करके मदर को स्पॉन्टेनियसली ऐसे ही रप्चर हो जाता है प्री लेबर, ठीक है, रप्चर हो जाता है, तो भी कंडीशन जो होता है वो हम लोगों को के लिए इंडिकेशन हो जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर की। एंड लास्ट वन इज दैट इज फीटल डिमाइस, मीन्स बच्चे की मृत्यु हो जाना, ठीक है। तो अगर बच्चा पेट में ही अगर उसकी क्या डिमाइस हो गया, बच्चे का फीटल डिमाइस का केस है तो उस कंडीशन में भी ये होता है इंडिकेशन इसका। एंड अनदर थिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या क्या इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिस कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए, दैट आर प्लासेंटा प्रीविया का केस में, ठीक है। तो प्लासेंटा प्रीविया के केस में क्या होता है कि जो प्लासेंटा होता है वो लो लाइंग यूट्रस में होता है, जिस कारण से क्या होता है कि अगर हम लोग ऑगमेंट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो बेबी को होता है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में नहीं किया जाता है। सेकंड वन इज ट्रांसवर्स फीटल लाई। अगर फीटल लाई का बात कर रहे हैं तो ये सीधे आ जाएगा, जब मैंने क्राइटेरिया बताया था तो सेकंड क्राइटेरिया था कि CPD का रूल आउट करना जरूरी है, तो रूल आउट करेंगे अगर CPD में अगर ट्रांसवर्स लाई का केस हो जा रहा है, अगर बेबी जो है वो ट्रांसवर्स लाई में है तो हम लोग कितना भी हम लोग इंड्यूस कर ले, कितना भी ऑगमेंट कर ले लेबर को, तो क्या डिलीवरी हो सकता है नॉर्मल, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अगर हम लोगों को ट्रांसवर्स लाई मिलता है तो हम लोगों को ऑगमेंट नहीं करना है ना तो इंड्यूस करना है। एंड नेक्स्ट इज अम्ब्लाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स, ये भी मैंने बताया था। एंड नेक्स्ट इज प्रायर यूट्राइन इंसिजन। तो अगर पहले से सीजेरियन सेक्शन हो चुका है यूट्रस, ठीक है, यूट्रस का इंसिजन यूट्रस में हो चुका है तो वो भी केस जो होता है वो नॉर्मल नहीं रहता है, ठीक है, इंड्यूस करना सही नहीं होता। नेक्स्ट इज एक्टिव जेनाइटल हर्पिस इन्फेक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे इन्फेक्शन जो होते हैं जेनाइटल हर्पिस के कारण जो इन्फेक्शन होते हैं उस वो केस में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके मेनली मेथड्स की, तो मेथड्स मैंने पहले ही बताया था, अब उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो मेथड जो है इसका मेडिकल सर्जिकल एंड कंबाइंड होता है, ठीक है। मेडिकल में ड्रग्स यूज किया जाता है ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिंस, ठीक है, एंड सर्जिकल में एम्नियोटमी दैट इज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड कंबाइंड में बोथ ऑक्सीटोसिन हम लोग देंगे एंड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज एम्नियोटमी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, जिसको जिसका कि एग्जाम्पल जो है बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज डायनोप्रिस्टोन, ठीक है। डायनोप्रिस्टोन जो है बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइकल राइपनिंग। तो इससे जो होता है सर्विक्स बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, फेवरेबल सर्विक्स ये बनाता है, ठीक है, डायनोप्रिस्टोन। एंड इसका एक्शन जो है दैट इज अल्टर्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें वो चेंजेस लाते हैं
एंड सेकंड इज इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ अ स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस। तो मसल्स जो यूट्रस में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसको वो क्या करते हैं कि उसको इंक्रीज करते हैं उसके एक्टिविटीज को, ठीक है। एंड थर्ड वन इज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो गैप का फॉर्मेशन ये करता है जिसके कारण जो दो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो जरूरी होता है गैप, उसको ये फॉर्म करता है, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये सारे एक्शंस करके ये क्या करता है कि मदर के प्रोग्रेस को, मदर के लेबर को प्रोग्रेस करता है, ठीक है। थर्ड सेकंड इज, तो फर्स्ट जो ड्रग दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करते हैं, सेकंड वन इज ऑक्सीटोसिन। तो जो एक साइंटिस्ट है दैट इज थियोबाल्ड एट एल, इन 1948 में उन्होंने फर्स्ट टाइम्स IV ड्रिप में ऑक्सीटोसिन को क्या किया था, यूज किया था, ठीक है। तो लाइफ जो हाफ लाइफ है ऑक्सीटोसिन का दैट इज 10 to 12 minutes, ओके। डोज इसका जो हम लोग देते हैं दैट इज 10 इंटरनेशनल यूनिट इन 500 ml में, ठीक है। तो जनरली ये डोज ही यूज होता है IV ड्रिप में, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इक्लैम्पसिया का केस में, प्रीक्लैम्पसिया के केस में, वैसे पेशेंट या रीनल पेशेंट जिनका कि फ्लूड रिस्ट्रिक्टेड फ्लूड पे वो रहते हैं, जिनका फ्लूड ज्यादा नहीं दे सकते हम लोग, तो उन लोगों को, पेशेंट को 10 इंटरनेशनल यूनिट जो होता है 50 ml NS में भी समटाइम्स दिया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द डोजेस ऑफ द ऑक्सीटोसिन। तो सेकंड जो मेथड दैट इज सर्जिकल, मैंने बताया था एमनियोटमी, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। रिकमेंडेड प्रायर टू ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन एंड हेल्प डिटेक्ट निमोकोनियम अर्लियर। तो जब भी ऑक्सीटोसिन हम लोग जब भी IV ड्रिप देने जाएंगे तो उससे पहले ही हम लोगों को एमनियोटमी कर लेना है ताकि हम लोगों को म्यूकोनियम भी हम लोग देख सकें, ठीक है, कि म्यूकोनियम स्टेंड है या नहीं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये थे एमनियोटमी के बारे में। अब कंबाइंड में भी दोनों चीजें साथ में किए जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और एमनियोटमी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि मदर का और बेबी का मॉनिटरिंग बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। जब हम लोग ये इंडक्शन करने जा रहे हैं या ऑगमेंट करने जा रहे हैं लेबर को, तो दोनों का जो FHR है वो कंटिन्यूअस देखना है, मदर के कंडीशन को भी हमेशा रेगुलर हम लोगों को देखते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, ठीक है, ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सके हाइपर स्टिमुलेशन को, हाइपोक्सिक बेबी को, एंड अदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जब मैं रिस्क में बतलाया था तो और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये सारे मदर को और बेबी को, दोनों को देखना बहुत ही ज़्यादा, दोनों को मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इस केस में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर एंड टूडेज क्लास। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यूर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।